अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो चिकन के कबाब की है, चिकन के शामी कबाब, रेशे वाले शामी कबाब। तो देखें, हमने इसके लिए लिया है ये आधा किलो चिकन है, बोनलेस चिकन है, और ये मैंने एक कप चने की दाल ली है। अब चने की दाल को पहले मैं धो लूँगी। अच्छा, देखें पहले हम गोश्त डालेंगे। इस गोश्त को मैंने काट लिया है बोटी की तरह, गल जाएगा अच्छी तरह। अच्छा, ये दाल मैंने धो ली है, ये पूरी दाल इसमें डाल दूंगी। अच्छा, अब इसमें मैं ये खड़े गरम मसाले ये डाल दूंगी, जिसमें लौंग है, दालचीनी है, तेजपात है, बादियान का फूल है, साबित लाल मिर्च है, और थोड़ी सी ये काली मिर्च है गोल वाली, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें भर के एक से डेढ़ गिलास हम पानी डाल देंगे, छोटा गिलास है, ये छोटा गिलास है, और मैंने इससे डेढ़ गिलास पानी डाला है। इसमें बड़ा गिलास हो तो एक गिलास पानी डालिएगा। अब इसमें मैं डालूंगी एक टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, एक टेबलस्पून नमक, एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक रखिएगा, एक टेबलस्पून भर के धनिया का पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी है, हाफ टी स्पून है ये हल्दी, थोड़ी सी डालनी है बिल्कुल। अच्छा, इन सब चीज़ों को हमने मिला दिया और इसे मीडियम फ्लेम पे हम चढ़ा देंगे, मिक्स कर देंगे सारी चीज़ें, और मीडियम फ्लेम पर इसे चढ़ा के हम छोड़ देंगे। जब तक ये गल नहीं जाता तब तक हम देखते रहेंगे इसे, इसका पानी खुश्क हो जाए और ये गल जाए, तो फिर हम इसे पीसेंगे। देखिए, आधे घंटे बाद मैं इसे खोलती हूँ, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ये दाल और गोश्त दोनों गल चुके हैं। अब इसमें से हम ये गरम मसाले निकाल लेते हैं, जो खड़े गरम मसाले हैं, दालचीनी, ये तेजपात, सब निकाल लेते हैं, और ये अभी गरम है तो हम इसे मैश करते हैं, मिला लेते हैं, मिक्स करके पीस लेते हैं इसी से, हाथ से, इसको ब्लेंडर में नहीं डालना है, इस तरह पीसना है। इस तरह आप बीफ के गोश्त का, मटन का भी शामी कबाब इसी तरह आप बना सकते हैं। ये देखें, इसे अच्छी तरह मैंने पीस लिया है, बिल्कुल रेशे भी हो गए और दाल भी बिल्कुल इसमें पिसा गई है। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के कबाब बनेंगे ये। अब इसे मैं किसी प्लेट या प्लेटर में निकालती हूँ। अच्छा, देखिए मैंने इसे ट्रे में निकाल के ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी ये कुटी धनिया, हाफ टेबल स्पून। अच्छा, मैंने कीमा ठंडा करके इसमें एक अंडा डाल दिया है, और चार टेबल स्पून मैंने ये चॉप की हुई प्याज डाल दी है, और हाफ टेबल स्पून इसमें कूटा धनिया डाला है, ये एक हरी मिर्च है ये मैंने काट ली है चॉप की हुई, और ये हरी धनिया है ये डाल दिए मैंने काट लिए। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि ये जो आप गोश्त पीसेंगे ठंडा करने के बाद ये सब प्रोसेस करेंगे, अगर गरम में आप अंडा डाल देंगे तो अंडा जो है वो जम जाएगा एक जगह। देखिए, मैंने मिक्स कर लिया सब, अब इसका मैं कबाब बनाऊंगी। आप जितना जितनी साइज का चाहते हैं कबाब बनाना, उस तरह का बना लें। देखिए, मैंने इस साइज का बनाया है। मैं मीडियम बना रही हूँ। ये देखिए, देखिए मैंने सारे गोश्त का कबाब बना लिया है, बहुत अच्छे हैं ये और बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में बन गए। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, अभी हम कबाब फ्राई करेंगे। अच्छा, इसे मैं पलट के देखती हूँ, माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं कबाब, बहुत कम बजट में बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के बनने वाले कबाब हैं ये। आप मेरी इस रेसिपी के मुताबिक आप बीफ के, मटन के गोश्त का बना सकते हैं, और आपको बीफ के गोश्त के शामी कबाब देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम निकालते हैं।
ये देखिए इस तरह के कबाब बन रहे हैं। ये देखिए मैंने शामी कबाब निकाल लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसमें रेशे भी हैं, बहुत अच्छे मज़े के शामी कबाब हैं। और मुझे अपनी फीडबैक आप लाजमी दिया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तस्वीर खींचनी है इसकी।